So y जो है work done that is directly proportional to the distance traveled, sine of जो है ये हमने यहाँ से proportionality हटाया तो वहां पे आपका proportionality constant हमने k ले लिया, हमारे पास आ गया y equal to k x। अब वो कह रहे हैं कि taking the draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। तो constant को आप 5 लेके चलोगे, यानी कि अकॉर्डिंग अब एज पर द गिवन केस या एज पर गिवन कंडीशन पुट के इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन 1। सो वी विल बी हैविंग वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट When x is 0, y is also 0, means the graph of this line will pass through the origin. X is 5, y x is 1, y is 5, and x is 2, y is 10. अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे। फर्स्ट पॉइंट आपका 0 0, यहाँ पे मैं 5 5 का गैप ले रही हूँ ऑन द वाई एक्सिस। On the x-axis, I am taking the distance of 1 1 unit. ये पॉइंट आ गया आपका 0 0, दिस इज योर ओरिजिन। नेक्स्ट वी आर हैविंग एट x इज इक्वल टू 1, वी आर हैविंग y इक्वल टू 5, सो दिस पॉइंट विल बी 1 कॉमा 5, एंड नेक्स्ट 2 पे 10 है, सो दिस विल बी द पॉइंट। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स। पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद यहाँ कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने हैं आपने, देन लाइन की इक्वेशन जरूर लिखनी है, एंड स्केल जरूर लिखना है। सो स्केल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ दोनों के लिए मैं इकट्ठा लिख रही हूँ यहाँ पे 1 बिग स्क्वायर या बॉक्स इज इक्वल टू, नहीं दोनों का इकट्ठा नहीं हम लिख सकते क्योंकि दोनों की हमने वैल्यूज अलग अलग ली है। एक्स एक्सिस पे मैंने 1 1 यूनिट लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने 5 5 यूनिट्स लिया है, तो एक्स एक्सिस का स्केल 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पे दिस इज 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब आपको पता है वाई एक्सिस पे ये आपका वर्क डन है, ये आपने शो नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। और ये जो है ये हमारे पास दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस वर्क डन है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सो हमें क्या बताना है, वी आर टू फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है देन द वर्क डन अगर आप इधर से लोगे तो दैट इज 10। तो ये आपका 2 कॉमा 10 आ रहा है, तो फ्रॉम द ग्राफ यू आर टू टेक द रीडिंग। एंड सेकेंड क्या है, व्हेन द ग्राफ व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट, तो अगेन 0 पे आपकी वाई की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स एट दैट मोमेंट वर्क डन विल बी 0। आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो कोई डिस्टेंस मूव नहीं करता है, देन यू से कि वो वर्क डन जो है उस मोमेंट पे 0 होता है। तो सेम वे में व्हेन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट द वर्क डन विल बी 0, एंड व्हेन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन इज 10। सो ये आंसर आप लास्ट में लिख दोगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, I'm giving you the option to unmute. You can unmute yourself and ask your doubts if any doubt is there. Ma'am, please explain the constant of proportionality. Okay, constant of proportionality में बच्चे हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप ये सिंबल हटाते हो, यहाँ हमने क्या गिवन था, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब आप इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई है वो वर्क डन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम इसको इक्वल लेके आते हैं इट मींस कि
वाई इंक्रीज हो रहा था एक्स के इंक्रीज होने पे. अब जब हम इनको इक्वेट कर रहे हैं इट मींस देयर इज सम रेशियो, जिस रेशियो के अकॉर्डिंगली ये आपका इंक्रीज कर रहा था. तो दैट इज गिवन बाय दिस कांस्टेंट के. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ स्टिल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, we are given Yamini and Fatima are two students of class 9th at a school. Yamini or Fatima, those students hain 9th class ke, they together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. दोनों ने मिलके जो है टोटल 100 रुपीस जो है कलेक्ट किए फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. और आपको इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है और इसमें आपको गिवन है कि यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज रुपीस एक्स एंड वाई एंड देन यू आर टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम. तो क्योंकि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं तो जो भी हम अजम्पशंस कर रहे हैं दैट वी आर डूइंग इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. सो लेट द amount donated by Yamini is rupees X and that donated by Fatima is rupees Y. अब दोनों ने मिलके total 100 rupees collect किए हैं. So your equation will be X plus Y equal to 100. दोनों का sum total जो है जो भी money उन्होंने collect की that is given to be 100. So let the amount donated by Yamini donated by Yamini is rupees X and that donated by Fatima is rupees Y. Ab total according to question total they have collected rupees 100. So X plus Y equal to 100. Now you have to draw the graph for the same. So x और y लेके चलोगे. When x is 0, y is 100. When y is 0, x is 100. When x is 50, y is also 50. Sum total दोनों का 100 है. Now plot the graph. 50 units का scale लेंगे हम. So this is axis हमने draw कर ली है. अब हम scale ले रहे हैं. Scale x axis और y axis same है तो अब मैं इनको इकट्ठा लिख रही हूँ. Both are having one big box is equal to 50 units. Units यहाँ पे rupees है. You can write down rupees 50 also or otherwise you can write down 50 units. When x is 0, y is 100. When x is 100, y is 0, and when both are 50 each, तो ये आपका point 50-50 आ जाएगा. अब क्योंकि line है, तो extend from this side also और this side also. हालांकि negative में वो x की value नहीं आएगी. ऐसा नहीं है कि फातिमा ने जैसे 150 rupees दिए और 50 rupees यामिनी ने रख लिए, तो as such ऐसा नहीं होगा. So this is the graph. यही हमें यहाँ पे शो करना था. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इफ एनी डाउट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन आस्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर हैविंग इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस. हमारे यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं दैट इज इन सेल्सियस स्केल और यूएस और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं दैट इज इन फारेनहाइट. उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कन्वर्ट करती है फारेनहाइट को सेल्सियस में.
draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. So आपको जो है इसका graph plot करना है. Celsius को आपने x-axis पे लेना है, Fahrenheit को आपने y-axis पे लेना है. लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आपको गिवन है, f इज इक्वल टू 9/5c + 32. अब उसने क्या कहा आपको, यू आर टू टेक द सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस. यानी कि ये मेरी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लोगे 9/5x + 32 के अकॉर्डिंगली. और उसके बाद आपने फर्स्ट पार्ट हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट. तो आपने उसके ग्राफ से जो है उसको देख लेना है. जब आप टेम्परेचर को पुट करोगे 30 डिग्री सेल्सियस पुट करोगे, यानी कि आप चाहो तो यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो. सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. 9/5 × सेल्सियस स्केल पे वो 30 ले रहे हो आप, दिस इज 32, सो दिस इज 54 + 32, सो 86 डिग्री फारेनहाइट. यानी कि जब सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो एट दैट मोमेंट इन फारेनहाइट स्केल इट इज 86 डिग्री फारेनहाइट. उसके बाद थर्ड पार्ट में है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. तो वाई की वैल्यू 95 पुट करके आप एक्स निकाल लोगे. Calculate and question you will complete yourself. उसके बाद वो कह रहा है कि fifth part में is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. क्या कोई ऐसा temperature होगा जहाँ पे numerically जो Fahrenheit है और जो Celsius है दोनों का जो temperature है वो same होगा? Is there any temperature? जल्दी से बताइए. यस अर्शप्रीत, क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए? मैम माइनस 40 आएगा. यस इट विल बी माइनस 40. व्हाट वी सी मैम, अगर वी आर टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच एफ इज इक्वल्स, आपको क्या करना है, f इज इक्वल टू c यानी कि y इक्वल टू x या x इक्वल टू y पुट कर दो दोनों में से, मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ उसको और दूसरा वेरिएबल जो है आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, दोनों में से चाहे x की फॉर्म में ले आओ चाहे y की फॉर्म में ले आओ, तो यू विल गेट योर आंसर. विल यू बी एबल टू कम्प्लीट दिस और शुड आई एक्सप्लेन? सिंपलीफाई कर लोगे so x is equal to minus 32 × 5/4, so this is minus 40. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दिस इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री f. तो यहाँ आप लिखोगे माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि x और y की वैल्यूज हमने सेम पुट की हैं. तो जब हमने पुट किया y इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई, तो सेम विल बी द वैल्यू ऑफ द y आल्सो. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8. आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. इसमें कुछ खास था नहीं आपका वैसे, बट मेन जो है वो आपका ये है कि जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी जो है वो आनी चाहिए, कि आप इक्वेशन जो है वो किस तरीके से फॉर्म करोगे. Now moving on to the next topic. Next जो हमारा topic है that is the
equation of line parallel to x-axis and y-axis. पहले x एक्सिस के पैरेलल देखते हैं. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ग्राफ पे हम क्या करेंगे, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. मार्किंग्स कर दोगे यहाँ पे. नाउ सी दिस लाइन, ये लाइन आपकी y इक्वल टू 2 से पास कर रही है. अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, 2. x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है. अगर मैं ये पॉइंट लूं तो दिस विल बी 2, 2. ये पॉइंट लू तो 4, 2. ये पॉइंट लू तो दिस इज 6, 2. ये पॉइंट लिया तो 5, 2. सेम वे में व्हेन यू विल टेक इट ऑन द नेगेटिव साइड, दिस इज -1, 2. दिस इज -2, 2. दिस इज -3, 2. एंड सो ऑन. इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइन केयरफुली यू विल सी कि इनके जो लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट्स लिए हैं उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर चेंजिंग. एक्स कोऑर्डिनेट्स इनके चेंज हो रहे हैं बट द वाई कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड. अब इनके बीच में अगर हम देखें तो कोई रिलेशन नहीं हम एस्टेब्लिश कर सकते कि जो इसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे. अदरवाइज क्या होता है कि जो भी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन देती हूँ उसका हर पॉइंट जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है. अब y की वैल्यू मेरी फिक्स है 2, बट जो आपकी x की वैल्यू है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इक्वेशन है इट मींस इट शुड बी इन सच वे कि जब आप x की वैल्यू पुट करो तो आपका रिजल्ट जो है इक्वेशन का वो चेंज ना हो, इक्वेशन की जो है वो सेटिस्फाई हो. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, y प्लस 0 टाइम्स x इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे जो है आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2. मैंने x को 1 पुट किया, 0 इंटू 1 इज 0. x को 3 पुट किया, 0 इंटू 3 इज 0. x को 4 पुट किया, 0 इंटू 4 इज 0. x को -3 पुट किया तो 0 इंटू -3 इज 0. अल्टीमेटली सॉल्व होके ये दो चीजें रह जाएंगी एंड दैट विल गिव मी y इक्वल टू 2. सेम वे में अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ एट y इज इक्वल टू -4 तो अगेन क्योंकि x कोऑर्डिनेट मेरा चेंज हो रहा है तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू -4. ये आपकी फॉर्म आ गई y इज इक्वल टू 2. यानी कि अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is of the form y equal to a लिख सकते हो आप, y equal to b लिख सकते हो, y equal to c लिख सकते हो, where a b c जो है they are the constant. उसमें आपका जो x है x को आपको क्या लेना पड़ेगा, ignore करना पड़ेगा, that you have to take as 0x as आपके जो जितने भी वहां पे x के coordinates बन रहे हैं, points के x coordinates बन रहे हैं, that keep on changing. तो result हमारा otherwise जो है वो ये वाले पॉइंट्स जो है लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे अगर हम एक्स को जीरो नहीं लेके चलते हैं. तो आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू ए, वेयर जो आपकी ए की वैल्यू है दैट विल बी दैट पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. अगर ये लाइन यहाँ 4 से पास कर रही है तो दिस इक्वेशन विल बी वाई इक्वल टू 4. अब अगर हम जनरल वे में बात करें तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स वैल्यू ना देके यहाँ पे ए लिख दिया, वेयर ए जो है आपका दैट बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि नंबर लाइन पे आप
पॉइंट्स में भी नंबर्स ले सकते हो. तो मान लो ये अगर मैंने 1.3 लिया है तो y इज इक्वल टू आप क्या लेके चलोगे 1.3. तो वट एवर आपका यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है आपकी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a. सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a. अगेन ध्यान दो, क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग मतलब पैरेलल ले रहे हैं, तो इक्वेशन आपकी यहाँ पे जो आएगी दैट विल बी y इक्वल टू की फॉर्म में होगी. सेम वे में इफ यू आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू b. सेम वे में है ये, तो मैंने इसका डायरेक्ट लिखवा दिया x इज इक्वल टू b. अब ये आपका पॉइंट जो है x इज इक्वल टू b, ये कहीं पे भी हो सकता है, जो भी आपकी यहाँ पे x की वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली दैट विल बी योर आंसर. मान लो ये -1 है अगर पॉइंट, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. मान लो ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू 1. y एक्सिस की इक्वेशन है तो x इक्वल टू की फॉर्म में आएगी, x एक्सिस की इक्वेशन है तो y इक्वल टू की फॉर्म में आएगी. इक्वेशन ऑफ अगर हम x एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो है दैट इज y इक्वल टू 0, क्योंकि इस एक्सिस पे आपका हर जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 लेके चलते. सेम वे में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इट्स इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 0. ये आपने पहले भी किया हुआ है. सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4.4. गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल. अब ये डिफरेंस समझो इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या है. जब आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो इन वन वेरिएबल, इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट. जब आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो इन टू वेरिएबल्स, इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन. टू वेरिएबल्स मतलब एक पॉइंट, उसके दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. जब वो वन वेरिएबल में है तो सिंगल डायमेंशन है, तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आप वो कहीं पे भी पॉइंट जो है वो डिपिक्ट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. अब हमें गिवन है यहाँ पे गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन द वन वेरिएबल. अब यहाँ ध्यान दो, चाहे हमें x इक्वल टू गिवन है चाहे y इक्वल टू गिवन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल ओनली, तो हमने उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, y इज इक्वल टू 3. सो नंबर लाइन लो, इस पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लो. So this is your point y is equal to 3. So ये हमने इसको वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी आर टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स. ये कर लो, फिर टू वेरिएबल्स का भी करवा रही हूँ. टू वेरिएबल्स में इन द सेम वे यू विल डू जैसे मैंने अभी करवाया था आपको, क्योंकि x मिसिंग है मेरा यहाँ पे, तो क्या लेके चलना है हमने, 0 टाइम्स x प्लस y इक्वल टू 3, क्योंकि x में खुद से नहीं ऐड कर सकते. अगर y की वैल्यू मुझे 3 गिवन है, यानी कि वन वेरिएबल मुझे अगर उसमें गिवन है y इक्वल टू 3, तो इक्वेशन में अपने पास से चेंज नहीं कर सकती. हाँ, लेकिन आपको ये पता है कि जब आप किसी थिंग में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो यू गेट द सेम थिंग. तो हमने क्या किया इसमें, यहाँ पे टू वेरिएबल्स में लाने के लिए इसको 0x plus y equal to 3 लिख दिया. अब y इक्वल टू 3 जब आपको टू उसमें वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू 3 मींस दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू y कोऑर्डिनेट एज 3. तो ये y इक्वल टू 3 है आपका, सो दिस इज योर लाइन. क्योंकि टू वेरिएबल्स में है, सो वी आर टू रिप्रेजेंट दिस एज अ स्ट्रेट लाइन. ये इक्वेशन हो गई आपकी 0x plus y equal to 3. इसके लिए आप सोल्यूशन सेट्स निकाल लो बेशक या ना निकाल लो, एक ही बात है. सोल्यूशन सेट अगर आपको निकालने हैं तो आप इस तरीके से शो करोगे इनको.
x को मैंने 1 लिया तो y 3, x को मैंने 0 लिया तो y 3, x को 2 लिया तो y 3 एंड सो ऑन. सेम वे में नेगेटिव लोगे तो आपका यही पॉइंट आएगा. अब जब x 0 है y 3 ये पॉइंट, x 1 है y 3 ये पॉइंट, x 2 है तो y 3 ये वाला पॉइंट. तो इनको आपने ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन. So this is the graph of the required equation. In the next question, you are having the same one. Next question, we have given a 2x plus 9 equal to 0 as an equation in one variable and two variables. Yeah, homework part mein karoge. Main sirf aapko ye simplify karke bata rahi hu. Ab mujhe yahan pe ye given hai 2x plus 9 is equal to 0. So this can be written as 2x is equal to minus 9, x is equal to minus 9 by 2. One variable के लिए आप ले लोगे x is equal to minus 9 by 2, यानी कि minus 4.5 पे आप point plot करोगे. And when you are talking about the two variables, then you will write it down in the form 2x plus 0y plus 9 equal to 0. Y की values different put करोगे, तो x की value आपकी बट यहाँ पे fixed है minus 9 by 2. X की value minus 9 by 2 ही आएगी. y की वैल्यू आप जो मर्जी यहाँ पे डाल. तो दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2 है तो दिस विल बी टू द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस. y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ये आपकी लाइन बनेगी. सो दीज वर योर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. That is statistics. That is the last chapter of your this term. Term 1 का आपका वो last chapter है from the syllabus that has come from the CBSE side. If any doubt is there, you can ask.